करनाल में मंगलवार को सेक्टर 9 में कोठी नंबर 928 में लूट की वारदात के 10 घंटे बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। वारदात के दूसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं। यूथ फॉर चेंज के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट राकेश ढुल ने बताया कि यदि इतनी लेट एफआईआर दर्ज होगी तो बदमाश कैसे काबू आ सकते हैं, क्योंकि एफआईआर के बाद ही तो पुलिस उनकी खोज में अभियान चलाती है। बहरहाल अब पुलिस ने 4 टीम गठित कर अपनी जांच तेज करने का दावा किया है। पुलिस की ओर से ये भी दावा किया गया है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि मंगलवार को सेक्टर 9 निवासी राहुल की कोठी में उनके नौकर पवन और उसके 4 साथियों ने उनकी पुत्रवधु और नौकरानी को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लूटपाट की है। बदमाश घर से कितना सामान ले गए, इस बारे में पीड़ित परिवार और पुलिस वारदात के दूसरे दिन भी चुप्पी साधे हुए हैं। वारदात के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, इसके बाद भी एफआईआर दर्ज करने में 10 घंटे क्यों लग गए, ये सवाल उठ रहा है यहाँ पर। इतने समय तक आखिर पुलिस ने किया क्या?